मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएमएस में पार्ट्स कैसे जीआरएन करते हैं। पार्ट जीआरएन करने के लिए आपको यहाँ पर किसी दिन के बाद किसी समय के बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको हटा दिए जाएंगे और यहाँ से जीआरएन नहीं करना है। उसके लिए आपको सर्विस में सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये डीएमएस आपका नया वाला डीएमएस खुलेगा, ओपन होगा। यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ पर पार्ट्स में जाएंगे। पार्ट्स में यह सर्विस है, पार्ट्स है। पार्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और जीआरएन करने का दो तीन तरीके हैं। ये सब का मतलब हम आपको बता देते हैं। एसेसरीज जीआरएन मतलब आपके लिए भी है नहीं। जीआरएन टीवीएस मतलब जो लोग डायरेक्ट टीवीएस से पार्ट्स जीआरएन ले रहे हैं उनके लिए जीआरएन टीवीएस है। जीआरएन एएमडी, एएमडी मतलब कि मेन डीलर से जो भी पार्ट्स आ रहे हैं वो आपका मेन डीलर जीआरएन है। अदर वेंडर मतलब कि किसी भी तरह से आप कोई भी क्वांटिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये जीआरएन अदर है। जीआरएन एपीएस, अभी आपको एपीएस से ही आपको जीआरएन करना है तो उसके लिए आपको जीआरएन एपीएस में आपको पहले जाना है। जीआरएन एपीएस में जाने के बाद आप यहाँ पर पहले देख लेंगे कि दिस वीक में आप कब कब जीआरएन किए हैं या दिस मंथ में कितना बार आपने जीआरएन किया है, वो अभी तक एक भी नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, नया एंट्री के लिए क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपको आएगा, उसके बाद में आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करना है, ऊपर वाला ऑप्शन पे आपको डेट को सर्च करना है। यहाँ पर आप डेट सर्च करेंगे, मान लीजिए एक दो मंथ का आप पीछे ले रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर डेट वाइज है सर्च करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एपीएस का इनवॉइस नंबर अगर देते हैं तो मे बी वो आपका टैली का इनवॉइस दे रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपको ना ले। इसलिए आप हमेशा यहाँ पर डेट वाइज करने के बाद में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर जीआरएन नॉट डन है तो उसको आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए ये जीआरएन है, इनवॉइस वैल्यू 82 रुपया है, इसको हम कर रहे हैं, मान लीजिए इसी को कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक पार्ट नंबर आ गया। पार्ट नंबर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं, ये पार्ट नंबर हमें 10 नहीं आया है, हमें ये पार्ट नंबर मात्र 5 आया है, तो इसको यहाँ करने के बाद 5 आप डाल सकते हैं। उसके बाद में ऊपर में आप स्टोरेज लोकेशन जो है आप कौन सा लोकेशन पे आप रखना चाहते हैं, अभी आपके पास एक ही स्टोरेज लोकेशन है तो आप एक करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम 10 डालकर उसके बाद में हम यहाँ पर सेव कर ले रहे हैं। सेव करने से ये आपका जीआरएन सेव सक्सेसफुली हो जाता है। अगर आप मेन डीलर से अगर ले रहे हैं तो आप मेन डीलर में जाएंगे, पार्ट्स में जाने के बाद एमडी जाएंगे। एमडी जाने के बाद सेम प्रोसेस है आपका, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जीआरएन ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो अभी सभी मेन डीलर अभी ऑनलाइन हो गए हैं इसलिए आप यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद में इनवॉइस डेट है, इनवॉइस डेट इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही सेम प्रोसेस है, पीछे कोई भी मेन डीलर का जीआरएन आप देख लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो भी आपको यहाँ पर आपको दिखेगा उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर वार्निंग आता है, ओके करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर ये आइटम है, एक्सेसरीज का आइटम है जो आपको मेन डीलर से आपको दिया गया है, आप यहाँ पर जीआरएन कर सकते हैं। कौन सा लोकेशन है, लोकेशन यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में लोकेशन आपको बनाना होगा, अगर दूसरा लोकेशन बनाना होगा तो आप यहाँ पर होम में जाकर मास्टर और स्टोरेज लोकेशन में आप जाकर आप लोकेशन बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहते हैं कि नहीं, दो आइटम आया है, तीसरा आइटम नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अनटिक कर सकते हैं। जो आइटम आपको नहीं लेना है वो अनटिक कर सकते हैं, और जो आइटम आपको 10 नहीं 8 लेना है तो उसको आप ऐसे भी करके आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद में आप सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।